किसी को मारना बड़ा आसान है, किसी का कतल करना बड़ा आसान है, किसी को गाल कटना बड़ा आसान है, किसी की बुराई करना बड़ा आसान है, किसी की चोरी करना बड़ा आसान है, किसी को लुट लेना बड़ा आसान है, किसी को थप्पड़ मार देने बड़ा आसान है, लेकिन किसी को जिंदगी देना, किसी की खुद मर जाना, किसी की अपनी जान कुर्बान कर देना, किसी को टिके न उठा लेना, किसी के गुनाह को माफ कर देना, किसी की जिंदगी बदल देना, यह यीशु मसीह तो बिना और कोई नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक यीशु तो बिना यह कोई और नहीं कर सकता। किसी के वास की गल नहीं है। अज कतल करने वाले बड़े लोग पाए जाते हैं, मार कुट करने वाले बड़े पाए जाते हैं, जेलां भरिया पड़िया ने यहो जे केसां दे विच लोकां दे नाल, चोरां दे नाल जिहड़े चोरी करदे ने। खुदा दे कलाम दे विच लिखिया, यूहन्ना 10 दे 10 विच लिखिया, चोर कादे लई आउंदा है? चोरी करन वास्ते। बोलो उच्ची बोलो जी, किहदे वास्ते आउंदा है? लिखिया चोर इस लई आउंदा है, चोरी करे, वड्डे ते नाश करे। चोर इस लई आउंदा है कि चोरी करन वास्ते आउंदा है, ते हाथ विच हथियार फड़ के आउंदा है। जे कोई उहदे नाल रोकदा है, उहनूं डकण दी कोशिश करदा है, ते अपना हथियार चला दिंदा है, वट भी दिता है, नाश भी कर दिता है। लेकिन खुदावंत प्रभु यीशु मसीह ने की किया? कहता चोर इसलिए आता है, चुरावे, वटे, ते नाश करे, और मैं इसलिए आया कि उन्हें जीवन मिले, सगो चोखा मिले। हालेलुया। कहता मैं इसलिए आया कि भाई मैं उन्हें जीवन देवा। यही फर्क है साढ़े प्रभु यीशु मसीह के। यीशु मसीह किसी की जान लैन वास्ते नहीं, किसी को दोषी ठहराने वास्ते नहीं, किसी उत्ते दोष लगाने वास्ते नहीं, बल्कि वह सबकी जिंदगी बचाने लिए आया। हालेलुया। सबनों जिंदगी देने वास्ते आया, सबनों पापों की माफी देने के लिए आया, इसलिए उसे ते विश्वास करना है। हालेलुया। जिन्हां लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन आ गया, परमेश्वर के वचन का ज्ञान आ गया, वह चोरी छड़ के यीशु मसीह के लोग बन गए। हालेलुया। वह डकैती छड़ के, वह कतलों गारत करने वाले, वह किसी को कतल करने वाले, ऐसे लखां लोग जिन्होंने अपने अपने जीवन में बड़े लोगों को मारिया, कुटिया, वड्डिया, नाश किया, लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को जान लिया, उसके वचन को समझ लिया, उन्होंने सारे इन्हां बुराई के कामों को छड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पे, तो खुदा के नाम के उच्चे किए गए। बोलो हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बड़ा दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है, वो पापां दे गुनाहां दी माफी देने वाला परमेश्वर है। किसी नूं थप्पड़ मार देना बड़ा आसान है, पर किसी नूं माफ करना बड़ा औखा है। ये केवल यीशु दे लोग ही कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। सो इसलिए प्रभु तुहानूं आशीष करे, बरकत।